दोस्तों, टेली प्राइम के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम डे बुक के ऑप्शंस का किस प्रकार से यूज करते हैं, डे बुक में हमें किस किस प्रकार की ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है और उस ट्रांजैक्शन का हम डिटेल में एनालिसिस किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो फ्रेशर अकाउंटेंट होता है उनका ये मानना होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक अकाउंट्स की अगर पूरी डिटेल देखनी हो तो हम उसको डे बुक में देख सकते हैं। तो दोस्तों, डे बुक देखना एक अलग मैटर है और पर्टिकुलर किसी एक लेजर की पूरी अकाउंट्स देखना एक अलग बात है। तो आज की इस वीडियो में हमें सारी बातें प्रैक्टिकली होगी डे बुक के बारे में। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, आपको भी पता चल जाएगा भी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में डे बुक के ऑप्शन का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की अकाउंटिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में डे बुक के ऑप्शन पर हम तीन तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने फर्स्ट विंडो ये ओपन होती है जिसे होम पेज बोल देते हैं गेट वेब टेली का। और गेट वेब टेली के ऑप्शन के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डे बुक का, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर डे बुक पर क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन, आप डिस्प्ले पर जाको और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस यानी कि आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंटिंग के अंदर डे बुक का। और तीसरा, आप शॉर्टकट एल्ट जी यानी कि गो टू पर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर भी आपको ये डे बुक का ऑप्शन है जो यहाँ पर दिखाई देगा। तीनों का मतलब एक ये यानी कि एक ही ऑप्शन पे जाने की ये तीन अलग अलग रास्ते हैं। सबसे पहले हम डे बुक को ओपन करते हैं दोस्तों। अब देखो डे बुक, अब डे बुक का मतलब क्या हो, जैसे हमने डे बुक पे एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने ये कुछ ट्रांजेक्शन आ गई। अब इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे कुछ अलग अलग टाइप के वाउचर हैं, जनरल वाउचर भी है, सेल वाउचर भी है और परचेज वाउचर भी है। और ये पर्टिकुलर आपको 30 अक्टूबर 2022 का डाटा इसके अंदर शो हो रहा है। तो दोस्तों, डे बुक का मतलब क्या होता है भी, जिस दिन आपने लास्ट वर्किंग करके जो छोड़ी थी ना उसका डे बुक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसा कि हमारे को यहाँ दिखाई दे रहा है भी डेट ऑफ लास्ट एंट्री 30 अक्टूबर 2022 को, यानी कि आपने इस कंपनी के अंदर 30 अक्टूबर 2022 को कोई भी ट्रांजेक्शन करी हो, चाहे वो सिंगल ट्रांजेक्शन हो चाहे आपकी वो 20 ट्रांजेक्शन हो, तो जैसे हम डे बुक पर प्रेस करेंगे तो आपको 30 तारीख की डे बुक दिखाएगा। अब डे बुक का मतलब हो गया भी आपने 30 तारीख के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन करी थी उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जनरल, सेल, परचेज, पेमेंट रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, यानी कि जो भी आपने वाउचर किए वो यहाँ पर दिखाएगा। अब आपको अगर चाहिए भी आपको 29 तारीख की देखनी है या 28 तारीख की देखनी है या 31 तारीख की देखनी है, पर्टिकुलर एक ही डेट की देखनी है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, F2 बटन यूज करेंगे। तो जैसे हम F2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा चेंज डेट का, और डेट चेंज करने के लिए आप उसके बाद में कोई भी डेट लगा सकते हो, जैसा कि मैंने लगा दिया 28/10। तो आप देख रहे हो 28/10, लेकिन 28/10 के अंदर मेरे पास कोई भी ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरीके से आप 29 तारीख की भी लगा सकते हो। अब आपको पता भी 28 में नहीं है, 29 में नहीं है, लेकिन 30 में है, तो ये स्टार्ट कब से हुई है, तो पर्टिकुलर अब यहाँ से अगर हम पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। इसका पीरियड चेंज करने का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर आपने किसी एक डेट से लेके और 30 तारीख तक अगर कोई रिकॉर्ड देखना हो, जैसे मैंने कह दिया भाई मेरे को 5 अक्टूबर से लेके और 30 अक्टूबर तक की ट्रांजेक्शन देखनी है, तो मैं अब यहाँ पर F2 काम नहीं करेगा, अब यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा एल्ट के साथ F2। यानी कि L2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपसे पीरियड चेंज करने के लिए बोला जा रहा है और F2 से केवल आपको डेट चेंज करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर फ्रॉम डेट का मतलब मैं 5 अक्टूबर से और 2 के मतलब कहाँ तक, तो 30 तारीख तक। तो ये मेरे पास ट्रांजेक्शन की डिटेल यहाँ पर आ गई 5 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर और ये मेरी ट्रांजेक्शन आ गई। यानी कि एक ट्रांजेक्शन मेरी 5 तारीख से और 30 तारीख के बीच में, एक तो 18 तारीख को और बाकी सारी ट्रांजेक्शन मेरी 30 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन है। अब हमें पर्टिकुलर अगर किसी एक वाउचर के देखना, सबसे पहले मैं F2 करके यहाँ से डेट हटा देता हूँ। जैसे मैंने स्पेस बार से डेट हटाई तो अब मेरा डाटा कहाँ से ओपन हो जाएगा, पूरे ईयर्स का यानी पूरे साल का डाटा, 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 अक्टूबर 2022 तक, यानी कि जो भी आपकी लास्ट एंट्री रहेगी ना वहाँ तक का डाटा ओपन कर देगा F2 करके। आपको स्पेस बार से डेट हटा देनी है। तो अब इसके अंदर देखो क्या हुआ, टोटल वाउचर है। अब हमें पर्टिकुलर यहाँ ये देखना है भी इस पूरे साल के अंदर हमारे टोटल सेल वाउचर कितने हो चुके हैं। तो
अब आप पर्टिकुलर किसी एक वाउचर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट दबाएंगे F4, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो वाउचर टाइप, तो आप वाउचर टाइप F4 भी कर सकते हो, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी वाउचर यूज किए हैं वो सारे के सारे वाउचर आपको दिखाई देंगे। अब इसके अंदर आपको कौन सा वाउचर लेना है, जैसा कि मैंने कह दिया मैंने सेल वाउचर लेना है, मैंने सेल पर क्लिक कर दिया। तो अब 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 अक्टूबर 2022 तक जितनी भी मेरी सेल की ट्रांजेक्शन है वो सारी सेल की ट्रांजेक्शन ही यहाँ पर दिखाई देगी, बाकी ये हिडन हो जाएगा। हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं हमने इसको सेल वाउचर पे फिल्टर यूज कर लिया। तो अब आपका सेल का टोटल कितना आएगा यहाँ पर 91,268.01। तो अब हम क्या इसी को पूरा सेल मानेंगे, जबकि ये हमारी सेल नहीं है। अब ये जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट के अंदर हमारी GST की अमाउंट भी इंक्लूड है, यानी कि GST शामिल है, जबकि हमारी एक्चुअल सेल कौन सी होती है, GST से पहले की जो हमारी अमाउंट होती है। जैसा कि हम एक वाउचर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये अमाउंट है 84,000 रुपये की अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे हम इस वाउचर को ओपन करेंगे तो इस वाउचर के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट की वैल्यू वो कितनी है, 80,000 रुपये की, और 4,000 रुपये इसके अंदर टैक्स लगा हुआ है। तो हमारी सेल की वैल्यू एक्चुअल में ये मानी जाएगी जो हमारी GST रिटर्न के अंदर जाती है, और ये हमारा टैक्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर 84,000 है, और यहाँ पर भी आपको 84,000 ही दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको कोई कह दे भी आपके टोटल सेल कितनी होगी, तो आपको ये जो डे बुक में जाके और F4 करके आप सेल वाउचर का जो टोटल आएगा ये टोटल आपको नहीं बताना है, इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आप डे बुक पे रहते हुए, जैसे मान लीजिए आपने चलो सेल वाउचर ओपन कर ही लिया, तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर आपके सामने अब क्या चीज़ आ जाएगा, F8 आपने यूज करना है। F8 का मतलब क्या आ जाएगा, ये कोलमर का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ डिटेल्स खुल जाएगी हमारी सेल से रिकॉर्डिंग, आप इसको सीधा करके और कंट्रोल A बटन प्रेस कर दो। अब जैसे हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो ये आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, आपने किसको बेचा, उसका एड्रेस क्या है, वाउचर नंबर क्या था, उसके बाद पार्टी का GST नंबर क्या चीज़ है, उसका पेन नंबर डिटेल, और उसके बाद में आपकी जो क्वांटिटी क्या है, और इसके बाद आपकी जो सेल की वैल्यू है वो वैल्यू आपकी टोटल कितनी है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो टोटल वैल्यू हमें दिखाई दे रहा था 91,268.01, जबकि हमारी एक्चुअल में जो सेल है वो है 86,413.23, और बाकी है जो हमारा अभी इसके अंदर टोटल है, जो अभी इसके अंदर अलग अलग आपका डिटेल में दिखाई देगा, अभी 5% की सेल कितनी है आपकी, 12% की सेल कितनी है, 18 की कितनी है, कितना उसके अंदर CGST है, कितना SGST है, सारा एनालिसिस अभी आपका सेल के अंदर यहाँ पर हो चुका है। तो आप यहाँ पर पार्टी वाइज भी चेक कर सकते हो, आप इसका शो प्रॉफिट भी चेक कर सकते हो, भी आपका प्रॉफिट आपका कितना आया हुआ है। तो प्रॉफिट मार्जिन भी आप जैसे ही मांगे जाएंगे तो ये ग्रोस प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाएगा GP का परसेंटेज के साथ में, यानी कि कौन सी आइटम के ऊपर आपने कौन से लेजर के अंदर कितने परसेंट का प्रॉफिट आपको जा रहा है। तो ये डिटेल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से डे बुक पर हम जाएंगे तो ये पूरा डे बुक के अंदर टोटल ट्रांजेक्शन परचेज सेल पेमेंट रिसिप्ट सब आपको दिखाई देगा, और इसके अंदर आप अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आप नरेशन अगर किसी का साथ देखना चाहो तो आप इसको यस कर सकते हो, कंसोलिडेटेड के साथ देखना है या डिटेल के साथ देखना है, जैसा कि अभी हमारे पास कंसोलिडेटेड है। जैसे हम इसको डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो बिल वाइज डिटेल्स, आपकी इन्वेंट्री वाइज डिटेल्स, ये सारा आपको कोई डिस्क्रिप्शन से अगर आपको कुछ देखना है प्रोडक्ट का तो आप देख सकते हो। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो जो भी हमारे सामने वाउचर है, जैसा कि ये वाउचर है, अब इस वाउचर के अंदर हमारे पास में क्या क्या आइटमें थी, कितने परसेंट के लेजर थे, क्या टैक्सेबल वैल्यू है, और कितना उसके अंदर हमने टैक्स पे कर दिया, तो ये आपको सारी समरी डे बुक के अंदर दिखाई देगी। अब मान लीजिए आपको पर्टिकुलर किसी एक लेजर का स्टेटमेंट चेक करना है, जैसा कि आपको श्री बालाजी ट्रेडर्स का ही पूरा टोटल ट्रांजेक्शन देखने है। अब इसके अंदर तो आपको टोटल डिटेल दिखाई दे रही है, यहाँ पर डे बुक में तो सभी पार्टीज है, कस्टमर भी है, सब कुछ आ रहा है आपका, एक्सपेंसेस की डिटेल वगैरह। एक पर्टिकुलर डिटेल देखने के लिए डिस्प्ले पर हम जाते हैं, और उसके बाद अकाउंट्स बुक पर हम जाते हैं, और लेजर पर जाते हैं। अब यहाँ से आप अपना उस लेजर को सिलेक्ट कर सकते हो जिस लेजर के साथ आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो। F2 के साथ हम इसको चेंज पीरियड करेंगे, डेट को हटा देंगे, तो ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि आप ये चीज़ देख रखे हो भी आपने 1,67,433 की परचेज है, और उसके बाद में आपकी ये 2 पेमेंट हुई है। अब ये पेमेंट कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जैसा कि ये वाउचर नंबर दोनों का सेम है तो इसका मतलब ये वाउचर नंबर डिफरेंस होएगा,
क्योंकि दो एक ही पार्टी की आपके पास दो नंबर के वाउचर आ नहीं सकते, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना। जैसा कि ये बिल्कुल दोनों सेम है, अमाउंट अलग अलग है, अमाउंट अगर बिल्कुल सेम होती तो हम कह सकते थे भी एक ट्रांजेक्शन हमारी दो बार इंटर हो चुकी है, लेकिन दोनों की अमाउंट अलग है लेकिन वाउचर नंबर सेम है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। अब ये हो सकता है डमी एंट्री बनाने के लिए इसको चेंज किया हो, या इसकी कोई अलग अलग मोड में एंट्री करने के लिए इस चीज़ को समझाया गया हो, तो ये अलग अलग मैटर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पर्टिकुलर एक लेजर की ट्रांजेक्शन देखने के लिए डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और लेजर की डिटेल में आने के बाद एक पर्टिकुलर लेजर की स्टेटमेंट हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप डे बुक का मतलब समझ गए होंगे, भी डे बुक पे जाके हम पर्टिकुलर किसी एक लेजर का स्टेटमेंट चेक नहीं कर सकते, पूरी आपकी ट्रांजेक्शन ही शो होती है जो भी आपने डे टू डे ट्रांजेक्शन पास करी थी। वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी जरूर करें।